एपिसोड 168 इश्क हुआ। जरा एक रोज ठहरो तो मैं तुम्हें नजर भर कर देखूं। जमीन पर चांद कहां रोज रोज उतरता है। राजवीर की इस बात को सुनकर मल्लिका की आंखें शर्म से झुक गई और उसने राजवीर से कहा, आप बातें तो बहुत अच्छी करते ही हैं और इंसान उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि पैसे वाले लोग बेहद मगरूर होते हैं, पर आपसे मिलकर मेरा ये भ्रम भी टूट गया। मल्लिका की बात सुनकर राजवीर के होठों पर मुस्कुराहट छा गई और राजवीर ने हिम्मत करके मल्लिका से कहा, अगर मेरे साथ आपको अच्छा लगा तो कुछ पलों के लिए और रुक जाइए ना, मैं वादा करता हूं आपको रुकने का अफसोस बिल्कुल नहीं होगा। ये सुनते ही मल्लिका के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट तैर गई, ऐसे जैसे मल्लिका का कोई अहम मकसद पूरा हो गया हो। वही राजवीर मल्लिका की इस मुस्कान से अनजान होता है। और तभी फिर मल्लिका ने राजवीर से आगे कहा, जी नहीं, आज नहीं। आज नहीं तो कब? मल्लिका के जवाब में राजवीर ने परेशान होते हुए दोबारा सवाल करते हुए कहा, कभी और, किस्मत में रहा तो दोबारा मिलेंगे, देखते हैं आखिर हमारी किस्मत क्या चाहती है। इतना कहकर मल्लिका ने राजवीर की ओर मुस्कुरा कर देखा और अपने घर की ओर चली गई। घर पहुंचते ही मल्लिका ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और विशाल को फोन किया, लेकिन विशाल ने फोन नहीं उठाया। तब मल्लिका ने दोबारा कॉल किया, पर इस बार भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिस वजह से मल्लिका लगातार विशाल को कॉल करते ही जा रही होती है। विशाल ने काफी देर बाद मल्लिका का फोन उठाया और मल्लिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही विशाल ने मल्लिका से कहा, क्या हुआ मल्लिका, तुम्हें तो पता ही है ना, इस समय पर मैं अपने होटल में होता हूँ और अभी वो राजवीर आया हुआ है, जिस वजह से काम और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी मुझे परेशान मत करो प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पर विशाल, मल्लिका ने इतना ही कहा था, इससे आगे वो बोल पाती इससे पहले ही विशाल ने उसे डांट कर फोन रख दिया। वहीं दूसरी ओर विशाल होटल राजमहल के कमरे में चुपचाप बैठा हुआ एक छोटे से लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। मल्लिका के लगातार कॉल करने से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मल्लिका को जोरों से डांट कर फोन रख देता है। बार बार कोशिश करते हुए विशाल को जब हर बार नाकामी ही हाथ लगी, तब उसने झुंझलाकर उस कमरे से चले जाना ही सही समझा। वहीं विशाल के फोन रखते ही मल्लिका की आंखों में आंसू आ गए, अनचाहे में ही सही, पर मल्लिका की आंखों में राजवीर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। राजवीर मुझसे हर पल कितने प्यार से बातें कर रहा था, उसके साथ लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे पहली बार बातें कर रही हूं, और एक तरफ ये विशाल है जो हर समय मुझे डांटता ही रहता है। मल्लिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद से कहा। तभी मल्लिका को एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है, और फिर उसने दोबारा खुद के सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, तू भी ना मल्लिका, पूरी पागल हो चुकी है, तू अपने विशाल की जगह किसी और को सोच भी कैसे सकती है, तू सिर्फ विशाल से प्यार करती है, और क्या हुआ जो उसने तुझे थोड़ा सा डांट दिया, तो वो काम में बिजी होगा, तूने डिस्टर्ब किया तो डांट दिया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। खुद को समझा बुझा कर मल्लिका ने अपना दिमाग तो शांत कर लिया, लेकिन अभी भी वो बात उसके दिमाग से गई नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई और विशाल के फोन आने का इंतजार करते करते मल्लिका को बीतता हुआ हर एक लम्हा किसी पहाड़ सा महसूस हो रहा होता है। अभी मल्लिका कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर विशाल का नाम फ्लैश हुआ। ये देखकर मल्लिका के चेहरे पर जैसे रौनक दोबारा लौट आई। मल्लिका के फोन उठाते ही दूसरी ओर से विशाल की आवाज आई, हाँ मल्लिका, बोलो, तुमने उस समय कॉल क्यों किया था, मुझे माफ करना, पर काम के चक्कर में मैंने तुम्हें डांट दिया, चलो अब बताओ क्या बोल रही थी तुम। विशाल ने मल्लिका से प्यार से बात करते हुए कहा। विशाल की बात सुनते ही मल्लिका ने विशाल को अपने पूरे दिन के बारे में बताया कि कैसे वो राजवीर से मिली और कैसे राजवीर ने उसकी मदद की।
ये सुनते ही विशाल ने मल्लिका से कहा, गुड, मुझे लगा नहीं था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि अच्छी ही बात है। जितना जल्दी तुम उस राजवीर के करीब जाओगी, उतना जल्दी हमारे अमीर बनने के दिन नजदीक आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे आगे क्या करना होगा विशाल? आज तो मैं इत्तेफाक की वजह से राजवीर से मिल ली, लेकिन अब आगे क्या? मल्लिका की बात सुनकर विशाल भी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद विशाल ने मल्लिका से कहा, मुझे बताएं कि क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही करना। रोज की ही तरह आज भी ममता वृद्धाश्रम में लोगों का शोरगुल सुनाई दे रहा होता है। अभी कुछ देर ही हुई है कि तभी एक बड़ी सी काले रंग की कार वृद्धाश्रम के सामने आकर रुकी। उस कार के रुकते ही आश्रम से एक आदमी भागते हुए बाहर की ओर गया और तुरंत कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म जी, आपको कितनी बार कहूं कि मुझे राजवीर कहा कीजिए, ये सरसड़ क्या लगा रखा है आपने? मैं इतना भी बुजुर्ग नहीं हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सर, वरना आजकल के बच्चे तो बाहर जाकर अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, पर आप कभी यहाँ आना नहीं भूलते। उस व्यक्ति ने राजवीर से अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेरा इस दुनिया में सिवाय मेरे दादाजी और आप लोगों के है ही कौन? कैसे भूल सकता हूँ मैं आप लोगों को? आप लोग ही तो मेरा परिवार हो। राजवीर ने भी उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इतना कहकर राजवीर उस व्यक्ति के साथ अंदर की ओर चला गया। तभी एक जगह से राजवीर को एक साथ बहुत सी औरतों के हंसने की आवाज सुनाई दी। राजवीर ने जैसे ही उस ओर देखा तो एक औरत ने राजवीर को देखकर इशारा करते हुए बुलाया, आजा, आजा, अरे बेटा यहीं आजा। राजवीर ये देखते ही उस ओर चला गया। राजवीर ने देखा कि उन बूढ़ी औरतों के बीच एक लड़की भी बैठी हुई है। उस लड़की की पीठ राजवीर की तरफ होने के कारण राजवीर को उस लड़की की शक्ल तो दिखाई नहीं दी, लेकिन राजवीर ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इस लड़की को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे कहीं तो देखा है। पर अपने मन में उठ रहे सारे सवालों को दरकिनार करते हुए राजवीर आगे की ओर बढ़ गया। तभी उन औरतों में से एक ने उसी लड़की के पीछे खड़े राजवीर की ओर देखते हुए कहा, तुम आ गए बेटा, ये बूढ़ी आंखें कब से तुम्हारा रास्ता देखते देखते थक गई है। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आना ही था ना मां, बिना अपनी माँ से मिले बेटा कहाँ जाएगा, और बूढ़ी होगी आपकी माँ, आप तो अभी जवान हो, आपकी उम्र ही क्या हुई है। तू खूब चढ़ा मुझे, उस बूढ़ी औरत ने भी राजवीर से कहा। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर जब उस लड़की ने पलट कर देखा तो वो हैरान हो गई और उसने कहा, आप यहाँ? राजवीर भी उस लड़की को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मल्लिका है। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कभी मैं सोचूं कि ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है। मल्लिका कुछ बोल पाती इससे पहले ही एक दूसरी बूढ़ी महिला ने राजवीर की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, बेटा, तुम जैसे नेक बच्चे तो यहाँ रोज ही आते हैं, ये लड़की बहुत प्यारी है और आज ये हम सब के लिए बेसन के लड्डू लेकर आई है। ये सुनकर राजवीर के दिल में मल्लिका के लिए इज्जत और बढ़ गई और वो अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मल्लिका की ओर देख रहा होता है। तभी वहां लोगों के हंसी की आवाजों से राजवीर का ध्यान टूटा और मल्लिका ने भी राजवीर की ओर देखते हुए कहा, आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? मल्लिका के सवाल का जवाब राजवीर दे पाता इससे पहले ही राजवीर के पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, मल्लिका, बेटा, ये मेरा बेटा है राजवीर राठौर,
कहने को तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मुझे अपनी माँ मानता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजवीर ने तुरंत गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, क्या माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? खबरदार, जो आपने कभी दोबारा ऐसा कहा, क्योंकि मेरे लिए आप मेरी सगी माँ जैसी ही हैं। अरे हाँ बाबा, माफ कर दे मुझे, आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, अब क्या अपनी माँ के गले भी नहीं लगेगा तू? उस बूढ़ी औरत ने राजवीर को मनाते हुए कहा। तब राजवीर बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसके गले से लग गया। मल्लिका को राजवीर का ये रूप आज सबसे अलग लग रहा होता है। मल्लिका ने अपनी जिंदगी में लड़के तो बहुत देखे हैं, पर ऐसा लड़का जो इतना अमीर तो है पर उसे अपने पैसे पर जरा भी घमंड नहीं है, जो हर एक इंसान को एक बराबर मानता है, ऐसा पहली बार देखा है। मल्लिका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके जहन में विशाल का चेहरा आ गया, जिस वजह से मल्लिका अपने दिमाग में चल रहे राजवीर के ख्यालातों को हटाते हुए खुद से बोली, तू पागल हो गई है मल्लिका, बस अपने काम पर ध्यान दे, तू विशाल से प्यार करती है और किसी से नहीं, और ये तो तू बिल्कुल भी मत भूल कि तू यहाँ आई क्यों है। राजवीर भी वहां मल्लिका और उन बाकी बूढ़ी औरतों के साथ बैठकर बातें करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर ने देखा कि मल्लिका वृद्धाश्रम से जा रही है। ये देखकर राजवीर दौड़ते हुए उसके पास गया और बोला, अरे आप जा रही हैं इतनी जल्दी? राजवीर की बातों को सुनकर मल्लिका ने कहा, अब हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा, वरना मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस के अभी निकलना होगा मुझे। राजवीर ने कहा, अगर आप घर जा रही हैं तो कहिए, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप बेकार में ही परेशान होंगे। मल्लिका ने राजवीर के ऑफर को मना करते हुए कहा, अरे इसमें परेशानी कैसी, कम से कम इसी बहाने आपको जानने का मुझे मौका मिल जाएगा। राजवीर ने अपनी गंभीर आवाज में मल्लिका से कहा, लेकिन अचानक वहां जोर का शोर हुआ, जिस वजह से मल्लिका को राजवीर की बातें अच्छे से सुनाई ही नहीं दी। तब मल्लिका ने राजवीर से कहा, कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, राजवीर ने तुरंत बात पलटते हुए कहा। उसके बाद राजवीर ने मल्लिका से कहा, ठीक है, देखिए हमारी बातें तो चलती रहेंगी, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। अगर आपको अटपटा ना लगे तो क्या हम वॉक करते हुए चले? मल्लिका ने झिझकते हुए राजवीर से कहा। मल्लिका की इस बात को सुनकर जैसे राजवीर के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसने हैरानी के साथ मल्लिका की ओर देखते हुए कहा, क्या पैदल चलूं मैं आपके साथ? राजवीर का जवाब सुनकर मल्लिका ने कहा, ओहो, आप तो पैदल चलते ही नहीं होंगे ना? राजवीर ने मल्लिका को घूरते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन, ऐसे कैसे मैं पैदल नहीं चलता? देखिए अब मैं पैदल ही चलूंगा। राजवीर की बातों से मल्लिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और वो भी राजवीर की बात पर हामी भरती हुई उसके साथ चलने लगी। मल्लिका और राजवीर दोनों ही उस सुहाने मौसम का मजा लेते हुए और साथ ही साथ एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे होते हैं। वही राजवीर की गाड़ी उसका ड्राइवर लेकर धीमे धीमे उसके थोड़ा पीछे ही चल रहा होता है। मल्लिका को आज ये पहली बार एहसास हो रहा होता है कि इंसान का पैसा नहीं उसकी नीयत मायने रखती है। उसके साथ चल रहा राजवीर कितना अमीर है, लेकिन उसकी सोच, उसका व्यवहार उतना ही साधारण और उतना ही सिंपल है। तभी मल्लिका का फोन बजता है और वो झिझकते हुए राजवीर से थोड़ा दूर होते हुए फोन उठाती है। हेलो, हाँ कहो, सामने से विशाल की आवाज आती है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो, आज काम हो जाना चाहिए। ये सुनते ही मल्लिका हैरान हो जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे, क्या करवाना चाहता है विशाल आज ही मल्लिका से,
क्या मल्लिका राजवीर के अच्छे व्यवहार को देखते हुए विशाल को मना तो नहीं कर देगी? क्या होगा अंजाम विशाल के इस मंसूबे का? क्या राजवीर सच में मल्लिका को पसंद करने लग गया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल।